Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ वॉलेट एंड वॉलेट हॉल बेसिकली. एंड मैंने काफी अलग अलग वैरायटी के वॉलेट मंगवाए हैं. इसमें सजेस्ट करूंगी कौन सा वॉलेट प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है एंड आप क्या परचेज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन भी दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले आते हैं इस वॉलेट के ऊपर. दिस इज अ टू फोल्ड वॉलेट बेसिकली. प्राइस वाइज बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है. ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है. लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज. एंड ये यहाँ पर आप काफी सारे अपने कॉइन्स रख सकते हैं, छोटे मोटे स्लिप्स वगैरह अगर आपको रखने हैं तो आप वो रख सकते हैं. अच्छी खासी स्पेस दी हुई है. तो यहाँ से ओपन करते हैं तो आप अपने सारे कार्ड्स वगैरह, शॉर्ट बोलूं तो 4-4 सेक्शन दिए हैं जिसमें आप अपने कार्ड्स, शॉपिंग कार्ड्स, ये सारी चीजें रख सकते हैं. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, इसमें आपका जो मनी होता है, कैश होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा. बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा है, गर्ली है, प्यारा सा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया. नाउ कमिंग टू माई सेकेंड वॉलेट इज दिस टैन कलर वॉलेट. ये जो ब्रांड है इसका मैं फर्स्ट टाइम ही मैंने वॉलेट मंगवाया है. तो यहाँ से ओपन होता है. दिस इज अ यूनिसेक्स वॉलेट. तो आप अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, अपने किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके का वॉलेट. इट्स अ यूनिसेक्स वॉलेट, आई रियली लाइक इट. सो हाँ, तो अब इसको हम ओपन करते हैं. तो फर्स्ट जब आप यहाँ से ओपन करते हो तो इसमें यहाँ पर दो ऐसे सेक्शंस आए हुए हैं, आप कार्ड रख सकते हैं. उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं. आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पर कार्ड रखने के लिए. थर्ड सेक्शन है, यहाँ पर जिप दिया हुआ है. इसको मैं ओपन करती हूँ. ये ओपन मैंने किया जिप को. तो यहाँ पर आप अपने कॉइन्स रख सकते हैं. अलग से एक सेक्शन दिया है कॉइन का. और यहाँ पर अगेन आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं. एंड नाउ हियर यू कैन कीप योर कैश. काफी ज्यादा स्पेशियस लगा मुझे. हम आते हैं नेक्स्ट वॉलेट पे जो कि अगेन है एस्बेडा. तो इसमें जो सबसे फर्स्ट सेक्शन आता है वो आती है ये जिप, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ. इसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह सब कुछ रख सकते हैं. इसको हम क्लोज करते हैं. नाउ यहाँ पर भी आप अपने कुछ कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं. अब हम इसको ओपन करते हैं. तो ये ओपन हुआ यहाँ से. नाउ आप अपनी फोटोज़ फैमिली की रख सकते हैं, कार्ड्स रख सकते हैं. यहाँ पर एक स्पेस है और यहाँ पर कार्ड्स के लिए स्पेस दिया हुआ है. एंड देन कैश के लिए इधर पे अच्छा खासा एक स्पेस दिया हुआ है. नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर. तो ये मैंने थोड़ा बड़े साइज में मंगवाया है जस्ट इन केस सो मैनी पीपल आर देयर जो अपने वॉलेट में मोबाइल रखना पसंद करते हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाला वॉलेट चाहिए होता है. तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए भी मंगवाया हुआ है. पर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आराम से आप मोबाइल रख सकते हैं. अब मैं मेरे पास जो मोबाइल है वो मैं इसको मैं रख के देखती हूँ कि ये स्टैंडर्ड साइज है कि नहीं है. तो ये आराम से इसमें जो मोबाइल है वो आ गया है. और ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी चेक कर लेती हूँ. आ गया है, बट यहाँ पर इसका जो बटन है ना वो लग नहीं रहा है. यहाँ पर आप देखिए दो जिप दी हुई है. इसकी जिप क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. यहाँ पर लिखा हुआ है लावी. इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर दो सेक्शन आता है, एक ये है और दूसरा ये है. तो आप आराम से अपनी काफी सारी चीजें इसमें रख सकते हैं. और जिप है जो कि एक यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ. तो ये रही एक और जिप. तो यूजुअली मेरी मम्मी इस तरीके के ही वॉलेट रखना पसंद करती हैं. तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर पीपल जो इस तरीके के वॉलेट रखना पसंद करता है, उनके लिए काफी अच्छा है. मिनी पर्स स्टाइल नहीं होता है कि आप आराम से बस इसी को लेकर के चले जाओ, अपना फोन रख लो एंड अपना सामान वामान जो भी आपको रखना है, कीज रख सकते हो. इसमें बहुत सारी चीजें रखते हो, इवन आप इसमें छोटी मोटी लिपस्टिक, लिप बाम, ये सब भी रख सकते हो. सो दिस इज द नेक्स्ट वॉलेट. अब नेक्स्ट टाइप के वॉलेट में आते हैं. तो ये तो एक तरीके से वॉलेट नहीं हो गया, तो पर्स ही हो गया. अब हम ओपन करते हैं फर्स्ट इसका. तो ये हमने ओपन किया एंड यहाँ देखिए अच्छी खासी काफी बड़ी सी स्पेस दी हुई है. ये यहाँ से इस तरीके से ओपन होता है. इसमें बहुत स्पेस है, इसमें लिटरली बहुत स्पेस है. यहाँ पर आपके सारे कार्ड्स वगैरह जो होते हैं ना वो सब बहुत आराम से आ जाएंगे, मतलब बहुत ही आराम से आ जाएंगे. उसके बाद यहाँ पर भी आपके सब कार्ड्स आ जाएंगे. बहुत आराम से मोबाइल जो है वो फिट इन हो जाएगा. और यहाँ पर पीछे देखिए, पीछे यहाँ पर इस तरीके से एक जिप दिया हुआ है. तो काफी ज्यादा स्पेशियस है. एंड आप देखो, अगर आप इसको ओपन नहीं करते ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं. अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के जो कि है फ्रॉम द ब्रांड बैगेट. दिस इज द बैग. ये इसका फ्रंट है. ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है. वॉलेट है, काफी सारे आप इसमें कार्ड्स रख सकते हैं. एंड इवन यहाँ पर आप कुछ लगा भी सकते हैं, फोटो वोटो, आईडी वगैरह. सीक्रेट कैश रख सकते हैं. एक जिप दिया हुआ है अंदर. उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है. आप इसको ओपन कर सकते हैं. ये लाइक ओपन हो जा भाई. ये
ये आपने ओपन किया तो यहाँ पर भी आप अपना कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, इवन यू कैन कीप सम कैश हियर एज वेल। और पीछे भी एक और जिप दी हुई है, तो भाई बहुत सारे इसमें जिप दी हुई है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी चीज़ें अपने वॉलेट में पूरी दुनिया कैरी करता है, आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें भी अगेन लिपस्टिक विपस्टिक बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लग भी काफ़ी स्मार्ट रहा है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज द वॉलेट, बैगेट का है ये। यहाँ पर मेरा मोबाइल आराम से आ जाता है, काफ़ी बड़े साइज की स्पेस है ये। ये देखिए मैं इसको रख के बताती हूँ। इस वॉलेट को मैंने आई थिंक आपको बताया भी था, है ना, ये छोटा सा स्लिंग बैग में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये आराम से यहाँ मेरा मोबाइल आ जाता है, इट्स लाइक दिस। यहाँ पर मेरे कार्ड्स आ जाते हैं। ये कार्ड का सेक्शन आप देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिकॉज आई डोंट यूज़ लॉट ऑफ कार्ड्स। मेरे पास ये तीन कार्ड रखे हुए हैं। उसके बाद इधर पे मैं कुछ कैश रखती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कैश रखा है, इस तरफ थोड़ा सा कैश रखा हुआ है, यहाँ मेरे फैमिली की फोटोज हैं। इस वॉलेट की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप यहाँ पर ऐसे इसको एज अ स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर आपको बड़े साइज़ का वॉलेट लेना है तो आई सजेस्ट यू कि आप इस तरीके का वॉलेट ले सकते हो, बिकॉज आप इसको एज अ स्लिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हो, आप हाथ में पकड़ के जा सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो एंड ऑल दैट। अब आते हैं लास्ट वॉलेट पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पूरे हॉल में मेरा फेवरेट है। एक फेवरेट तो मेरा ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा मुझे ये पसंद है। सो दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड फॉसिल, एंड मुझे फॉसिल के वॉलेट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, एंड इनकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। जैसे बैगेट का वॉलेट, ये आपको शायद मैंने बताया व्लॉग में या नहीं बताया है, कि विद इन सेकेंड डे जो इसके ये होते हैं ना, जहाँ पर ये लगाते हैं हुक जो होते हैं, ये पूरा टूट गया था। तो अब आते हैं, एकदम सिंपल सोबर सा है, बहुत सोबर सा है। एंड यहाँ पर हम इसको पहले ओपन करते हैं। एक जिप दिया हुआ है, इस जिप में आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप कॉइन्स रख सकते हैं, चाहे तो आप कॉइन्स यहाँ पर रख सकते हैं, या आप अपने अलग अलग तरीके के बिल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। फिर एक जो जिप है वो यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आप अगेन बहुत सारे कॉइन्स वॉइन्स ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं आराम से। तो ये कॉइन का ही सेक्शन है। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप कार्ड्स रख सकते हैं। इसमें एक, दो और तीन एंड लास्ट चार, मतलब चार या पांच ही सेक्शन दिए हुए हैं कार्ड्स के, विच इज़ नाइस। मतलब मेरे लिए, आई एम समवन जो मिनिमल वॉलेट में चीज़ें रखना पसंद करता है, तो मुझे ये मिनिमलिस्टिक वॉलेट ज़्यादा पसंद आते हैं। सो यहाँ पर आप अपना जो अमाउंट है ना, वो आराम से रख सकते हैं। थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी वॉलेट से ये एक्सपेंसिव है, बट ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, जैसा मुझे चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई थोड़ा चीपर वर्जन जो मुझे इसके टक्कर का, इसके जैसा लगता है मिनिमल थोड़ा, तो मुझे ये वाला पसंद आया है, दिस वन, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कम, ऐसे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, यहाँ पर आप अपना अमाउंट रख लो और वैसा है ये। तो इसमें क्या है, RFID प्रोटेक्शन मिलता है, तो काफ़ी सेफ एंड सही रहता है ये। सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।